लुक एट हेयर एवरी वन, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ ओपन कीजिए, जो होमवर्क कॉपी में मैंने आपको पहले वर्क करवाया था। इसी तरह यहाँ पे भी आपने ये फर्स्ट लाइन जो है खुशखती कीजिए, ये आपने अपने मम्मा और बाबा से लिखवानी है। अभी आप लोग ये वाली लाइन लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट लाइन से यहाँ से मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। अभी मैं आपको लिखना सिखाऊंगी और ये आपने अपनी कॉपी पे वर्क खुद बनाना है। सेकंड लाइन से यहाँ से आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। चलिए बेटा मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम सेकंड लाइन पे आप अपनी, आपके पास कॉपी पे ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन पे आप अपनी पेंसिल की नोट रखेंगे और लिखिए। रे नून जो है हमेशा लाइन ग्रीन लाइन से नीचे आके रेड लाइन से टच नहीं होगा, ऊपर बनेगा नून, ठीक है। और हम जबर लगा देंगे, रे नून जबर रन। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे जे, ये भी हम ग्रीन लाइन से स्टार्ट करेंगे, छोटा सा अलिफ बनाएं और नीचे इसके ऐसे कुछ निकालें और जे बन होता जे रे जबर जे रे जबर जर। नेक्स्ट हम बनाएंगे दाल, दाल आपको पता है गोल बनता है, ये भी ग्रीन लाइन में बनेगा और थोड़ा सा लाइन से बाहर होता है, ग्रीन लाइन से थोड़ा सा नीचे आता है। और फिर जो बनता है पहले हम वेट करा बनाएंगे और उसके ऊपर जो बनाते हैं हम इसमें ये फील्ड होता है, दाल फी दाल फी जबरदस्त। लाम भी आपको पता है बेटा लाइन से टच नहीं होता, ग्रीन लाइन से थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे और ये रेड लाइन से ऊपर रखेंगे, ग्रीन लाइन के से थोड़ा सा अंदर जाएगा, दाल लाम जबरदस्त। रन जर द दल बेटा, इसकी आपको राइटिंग करनी है कॉपी में, मैंने आपको बताया था कॉपी में आपको राइटिंग करनी है। अब आप लोगों ने, सब बच्चों ने अपना वर्क मेंशन कर लिया होगा, अंडरस्टैंड। देखिए बेटा इस तरह से आपने अपनी कॉपी में यहाँ पे सब जगह नीट एंड क्लीन वर्क करना है और राइटिंग करनी है। लाइन पे वर्क कीजिएगा प्यारा प्यारा, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी पर ये होमवर्क डन कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बेटा अब आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए, रस दस रन जर द अब रत रस दस रन जर द रब डर दस दम दल दफ रह रब डर दस दम दल द रह। लुक एट हेयर एवरी वन, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ ओपन कीजिए, जो होमवर्क कॉपी में मैंने आपको पहले वर्क करवाया था। इसी तरह यहाँ पे भी आपने ये फर्स्ट लाइन जो है खुशखती कीजिए, ये आपने अपने मम्मा और बाबा से लिखवानी है। अभी आप लोग ये वाली लाइन लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट लाइन से यहाँ से मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। अभी मैं आपको लिखना सिखाऊंगी और ये आपने अपनी कॉपी पे वर्क खुद बनाना है। सेकंड लाइन से यहाँ से आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। चलिए बेटा मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए।
सबसे पहले हम सेकंड लाइन पे आप अपनी, आपके पास कॉपी पे ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन पे आप अपनी पेंसिल की नोट रख देंगे और लिखिए रे। नून जो है हमेशा लाइन ग्रीन लाइन से नीचे आके रेड लाइन से टच नहीं होगा, ऊपर बनेगा नून, ठीक है। और हम दबर लगा देंगे रे नून दबर रन। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे जे, ये भी हम ग्रीन लाइन से स्टार्ट करेंगे, छोटा सा अलिफ बनाएं और नीचे इसके ऐसे कुछ निकालें और जे बन होता जे रे जबर जे रे जबर जर। नेक्स्ट हम बनाएंगे दाल, दाल आपको पता है गोल बनता है, ये भी ग्रीन लाइन में बनेगा और थोड़ा सा लाइन से बाहर होता है, बाहर होता है ग्रीन लाइन से थोड़ा सा नीचे आता है। और फिर जो बनता है पहले हम वेट तरह बनाएंगे और उसके ऊपर जो बनाते हैं हम इसमें ये फील्ड होता है, दाल फी दाल लाम भी आपको पता है बेटा लाइन से टच नहीं होता, ग्रीन लाइन से थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे और ये रेड लाइन से ऊपर रखेंगे, ग्रीन लाइन के से थोड़ा सा अंदर जाएगा, दाल लाम जबर दल रन जर द दल। बेटा इसकी आपको राइटिंग करनी है कॉपी में, मैंने आपको बताया था कॉपी में आपको राइटिंग करनी है। अब आप लोगों ने, सब बच्चों ने अपना वर्क मेंशन कर लिया होगा, अंडरस्टैंड। देखिए बेटा इस तरह से आपने अपनी कॉपी में यहाँ पे सब जगह नीट एंड क्लीन वर्क करना है और राइटिंग करनी है, लाइन पे वर्क कीजिएगा प्यारा प्यारा, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी पे ये होमवर्क डन कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।